नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य की शीतकालीन राजधानी नागपुर में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नागपुर में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में। नंबर 10, सीता बुल्दी फोर्ट। नागपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल यह फोर्ट गणपति मंदिर के पीछे ही एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो कि भारतीय इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में कार्य करता है। और इस किले का मुख्य आकर्षक वह कक्ष है जहां महात्मा गांधी को कैद किया गया था, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहां पर आते हैं। और यह किला सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। नंबर 9, महाराज बाग चिड़ियाघर। नागपुर शहर के मध्य में स्थित यह जू कई प्रकार के जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों का घर है। और शांत वातावरण, हरे भरे आवरण, जानवरों की आवाजें और प्रकृति के साथ एकता का एहसास इस जू में देखने को मिलता है। और यह जू सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, जिसमें प्रवेश शुल्क बच्चों का 10 रुपए और वयस्कों का 20 रुपए लगता है। नंबर 8, क्रेजी कैसल एक्वा पार्क। यह पार्क एक मनोरंजन जल आधारित थीम पार्क है, जो अंबाझरी लेक के ठीक सामने स्थित है, जिसमें स्काई काफ्टर, बुल राइड, ब्रेक डांसर आदि जैसे 50 सवारी है। और अन्य आकर्षक गतिविधियों में यहां बच्चों की सर्फिंग, वाटर बंजी, हाई फॉल, ओशन बम्प राइड, स्विमिंग आदि जैसे कई एक्टिविटीज इस पार्क में मौजूद है। और यह पार्क सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, जिसमें प्रवेश शुल्क वयस्कों का लगभग 450 रुपये और बच्चों का 280 रुपये पर पर्सन लगता है। नंबर 7, श्री महालक्ष्मी जगदम्बा। महाराष्ट्र में नागपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। और यह एक ऐसा भव्य दिव्य दरबार है जहां पर मां जगदम्बा का सुंदर रूप देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति का रूप हर पहर बदलता रहता है, जो कि सुबह बालिका रूप में, दोपहर में यौवन रूप में और रात में प्रौढ़ रूप में दिखाई देती है। और कोराडी स्थित मां जगदम्बा का यह मंदिर लगभग 150 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है, और इन्हीं माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहां पर बड़े ही दूर दूर से आते हैं। नंबर 6, श्री गणेश टेम्पल टेकड़ी। तकड़ीचा गणपति के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर स्टेशन रोड पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित लगभग 250 साल पुराना है, जिसका हिंदू धर्म के लिए आध्यात्मिक महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति स्वयंभू है, जो कि भूमि से ही उत्पन्न हुई है, और इनके दर्शन के लिए लोग यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से आते हैं। नंबर 5, अंबाझरी लेक। नागपुर के 11 झीलों में से एक यह झील इस शहर का सबसे बड़ा झील है, जिसका उपयोग लगभग 30 से अधिक वर्षों तक नागपुर को पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीमा के पास बसा यह झील सुंदर और शांत है, जहां पर पर्यटक घूमने के लिए अक्सर ही आते हैं। नंबर 4, फुटाला लेक। जंगल से घिरी हुई यह लेक नागपुर का एक बेहद ही खूबसूरत आकर्षण पर्यटन स्थल है, जो कि लगभग 60 एकड़ में फैली हुई 200 साल पुरानी झील है, जहां से आप सूर्यास्त का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और यह जगह आपके परिवार और दोस्तों के लिए शहरी जीवन की भागदौड़ से बचने के लिए एक आदर्श स्थान है। नंबर 3, अक्षरधाम मंदिर। नागपुर में रिंग रोड पर स्थित इस मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और नवनिर्मित इस मंदिर में एक विशाल रसोई घर, पार्किंग, एक रेस्टोरेंट और बच्चों के खेलने के लिए जगह भी है। और इस मंदिर में जाने का सबसे सही समय शाम को है, क्योंकि जब मंदिर में लाइट्स जलता है तो मंदिर का दृश्य देखने लायक होता है, और इसी को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं। नंबर 2, दीक्षा भूमि स्तूप। नागपुर में मौजूद यह स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्मारक है, जिसे धौलापुर बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्तूप है। और नागपुर में देखने के लिए यह स्मारक डॉक्टर अम्बेडकर की याद में और उनके बौद्ध धर्म को अपनाने की घटना पर बनवाया गया था, जिसमें उनके साथ लगभग 60,000 से भी अधिक और भी लोग शामिल थे। नंबर 1, ड्रैगन पैलेस मंदिर। नागपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर
कंपी नाम के स्थान पर स्थित यह एक बौद्ध मंदिर है, जहां पर आप भक्तों को अक्सर बौद्ध प्रार्थनाओं का जाप करते हुए और घंटों घंटों तक ध्यान करते हुए देख सकते हैं। और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक विशाल चंदन की मूर्ति है, जिसकी स्थापना हाल ही में यानी कि सन 1999 में जापान से ओगावा समाज द्वारा दान किए गए धन से की गई थी। और इस मंदिर को नागपुर के लोटस टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।